खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां लॉकडाउन के चलते आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। भूखों और जरूरतमंदों के लिए पुलिस कर रही मदद। कोरोना वायरस से बरेली को बचाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के पहले दिन जनता ने घरों में रहना मुनासिब समझा। जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि जरूरत की सभी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। आज 500 सब्जी के ठेले शहर के अलग अलग भागों में भेजे गए। उन्होंने कहा कि खाने की चीजें और दूध की सप्लाई जारी रहेगी और लोगों से कहा कि बिना कोई खास जरूरत के घर से बाहर न निकले और कोरोना के खात्मे में सहयोग करे, खुद भी बचे और परिवार को भी बचाने में सहयोग करे। उन्होंने चेतावनी दी, यदि कोई उल्लंघन करेगा तो धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। SSP शैलेश कुमार पांडेय ने पुलिस को हिदायत दी है कि कोई अगर भूख से व्याकुल हो तो उसके खाने पीने की व्यवस्था करे, और इज्जत नगर में पुलिस ने जरूरतमंदों को खाना भी खिलाया। SSP ने कहा, सबको मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना है। फालतू घूमते लोगों को पकड़ कर अंदर किया जाएगा। लोग राशन इत्यादि की जमाखोरी न करे और कोरोना से निपटने में सहयोग करे और बरेली को सुरक्षित रखे। आज बरेली में सुबह 10 बजे तक लोग सब्जी और जरूरी सामान की खरीदारी में लगे रहे। उसके बाद पुलिस की सख्ती शुरू हुई और लोग घरों में जा घुसे। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। जून के लॉकडाउन के लिए आप बरेली जनता के लिए क्या अपील करेंगे? मेरा बरेली की जनता से अपील है कि इस लॉकडाउन को वास्तविक रूप से स्वप्रेरणा से लागू करें, और ये बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि इटली में और स्पेन में, जो इतना विकसित कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ इतनी मौतें हो रही है, तो इसका केवल सुरक्षा ही उपाय है। और हम लोग अगर अपने आप को लॉकडाउन करते हैं अपने घरों में, तो हम लोग के पास कोरोना वायरस का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घरों में कैद करें अपने आप को स्वप्रेरणा से, और हम लोग इसेंशियल कम्युनिटीज़ को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको मेंटेन रखा जाएगा। आप देखिएगा इसेंशियल कम्युनिटीज़ की दुकानें खुली हुई हैं और हम लोग गलियों में भी सप्लाई का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम लोग डेलापीर मंडी हो गया, जितने मंडी है उससे ठेले को रिलीज कर रहे हैं कि अपने अपने गलियों में जाएं और सेवाओं को और धीरे धीरे हम लोग और बढ़ाएंगे, इससे कि उनको अपने स्थान पे ही, अपनी गलियों पे ही उनको आवश्यक सामान की आपूर्ति हो जाएगी। जनता से क्या अपील? जनता से ये अपील है कि जब तक बहुत आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले और इसका ट्रू स्प्रिट में पालन करें, तभी होगा। कई लोग हैं कि दवाई लेने के लिए, एक दो दवाई लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो जब इमरजेंसी सिचुएशन आए तभी वो बाहर निकले। मेरा यही रिक्वेस्ट है सभी जनता से, और मुझे लग रहा है कि बरेली की जनता खुद बहुत समझदार है, इसका अनुपालन करेगी, क्योंकि इसका जब तक लोग इसको अनुपालन नहीं करेंगे तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने का केवल एक ही मेजर है, प्रिवेंटिव मेजर है कि हम इसको घरों में अपने आप को सीमित रखें और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, और बहुत बेहतर से हम लोग इसको निपट सकते हैं। मोहल्लों में जो ओवर रेटिंग हो रही है, छोटे छोटे दुकानदार ओवर रेटिंग कर रहे हैं, नहीं, इसमें ये देखना होगा कि हम लोगों ने बहुत सारे, अभी 500 ठेले आज हम लोगों ने डेलापीर मंडी से भिजवाए हैं, तो ऐसा नहीं है, लोग होर्डिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग पब्लिक भी ज़्यादा ज़्यादा सामान रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनको बता दें आप लोग मीडिया के माध्यम से, कोई ज़रूरत नहीं है, उनको खाद्यान्न पदार्थ की और दवाइयों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हम लोग सप्लाई चेन को मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग पूरा व्यवस्था बना रहे हैं, लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उनको भी प्रयास होना चाहिए कि वो अत्यधिक जमाखोरी ना करें, कोई भी पब्लिक जिसको आवश्यकता हो बस उतना ही रखें। सर, इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानते हैं आपके कानून को और लोग फिर भी जो पहल करनी नहीं, जो ऐसा अगर कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें कोई है, कार्रवाई की भी जा रही है कि बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो उसको नियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उसको धारा 188 में कार्रवाई की जा रही है।